युवराज, युवराज, युवराज हाथ जोड़ती हूँ, हमें बचाइए। पकड़ो, पकड़ो उनको। मराठाओं की स्त्री से 50 हाथ दूर रहना। 50 सिक्के लीजिए और इनके उपकार का अधिकार छोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है। युवराज, मैं आपकी ऋणी हुई। माता श्री महाराज एक एक पैसा स्वराज्य के लिए खर्च करते हैं, लेकिन असल में बहुत सारी बातें छुप छुप कर हो रही है। उसी के बारे में पूछना था। आइए, महल में आइए। माता श्री, आप युवराज हैं, इस बात का ख्याल नहीं आया आपको? उल्टा हम अचंभित हो गए। बालराज भी थे आपके साथ, तो उनको इतनी छोटी उम्र में इतना सब कुछ देखने और सुनने मिला, ये तो महत्वपूर्ण बात है ना? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? न्याय के बारे में। और आप? हम किस बारे में बोल रही हैं? युवराज को संदेशा भेजा है, वो भी आते होंगे। जी हाँ, लेकिन महारानी साहिबा, एक बिनती है। बोलिए। ज्यादा गुस्सा मत कीजिए। हाँ हाँ, उन्हें समझा दीजिए और मामला खत्म कर दीजिए, अब इसे यहीं छोड़ दीजिए। हमें आपका उद्देश्य समझ में आ रहा है। जी ठीक है, मतलब पहरेदार होशियार ऐसे चिल्लाता है ना, बस उतने के लिए ही हमें इस मामले में रखिए। बाकी पहरेदार कौन है, कैसा है, इसकी अहमियत नहीं होती। बाल राजा के लिए आपको फिक्र हो रही है, ये समझ में आता है हमें। बस बस, इसीलिए कहता हूँ हमें जाने दीजिए, वरना वो फिर से हमसे गुस्सा हो जाएंगे। हम तो प्रशासन के लोग हैं, हमारा हमेशा उनसे संपर्क रहता है, इसीलिए इजाजत दीजिए। आपने हमें याद किया? जी हाँ। आराम कर लिया? नहीं, बहुत थके हुए थे ना? हाँ, मैं थक गया था, लेकिन हम तुरंत आ गए। अनाजी पंत, आप यहाँ? नहीं, मेरा मतलब हम आपको ही मिलने आ रहे थे दरबार में। हमने ही इन दोनों को बुलवाया है। माता श्री, ये आपने बिल्कुल सही किया, हम आपको श्रृंगारपुर के बारे में सब कुछ बताना चाहते हैं। हमने कैसे न्याय किया, उस सूबेदार से कैसे सच उगलवाया और उसमें से क्या निष्कर्ष निकला, ये सुनकर आप अचंभित हो जाएंगी। और हमने क्या किया, ये सुनकर आपको विशेष आनंद होगा। लेकिन हमारे कान में तो कुछ और आया है। आप किस बारे में बोल रही हैं? आप किस काम के लिए श्रृंगारपुर गए थे? जांच पड़ताल के लिए, या जांच पड़ताल के नाम से? आपने गाना सुना? माता श्री, बताइए, क्या आपने गाना सुना? माता श्री, मुझसे नहीं, ये आप बाल राजा से पूछिए। आप बाल राजा को बुला लीजिए। सवाल आपसे पूछा गया है, इसलिए हम जवाब की उम्मीद भी आपसे ही रखते हैं। कहिए, क्या आपने गाना सुना? हाँ माता श्री, हमने गाना सुना। देख लीजिए छोटी रानी, खबर पक्की ही थी। युवराज, युवराज ने गाना सुना और उससे खुश होकर उस नाचने वाली पर उन्होंने दौलत लुटा दी। सच है ना? दौलत लुटा नहीं दी, पर अदा कर दी। शब्दों से मत खेलिए आप।
जो कुछ भी हुआ उसका खुलासा चाहिए हमें। माता श्री, हम क्या खुलासा देंगे? अगर एक मां बनकर पूछा होता तो एक बार नहीं 10 बार खुलासा दिया होता हमने। लेकिन आपने तो हमें मुजरिम करार कर ही दिया ना? देखिए, नहीं, मुझे कल ही ये बात समझ लेनी चाहिए थी। हमारे आते ही जो आपने हमसे कहा, युवरागी की जो चिंता हो रही थी हमें सवाल करते हुए, आज हमें समझ में आ रहा है। कल की बात क्यों करें? आज का किले पर का बदला हुआ वातावरण हमें समझ आ गया है। इसका मतलब नाचने वाली के गाने की खबर, जिससे हम अनजान थे, वो किले पर फैल गई है। नहीं, फैलाई गई है। इसलिए हमें खुलासा चाहिए। जिन लोगों से हमें खुलासा मांगना चाहिए था, आज उनके ही सामने खुलासा देने की नौबत आ गई। दुर्भाग्य। और क्या? तो आप ही बताइए, झूठ और सच क्या है? हमें कुछ कहना नहीं है। युवराज होकर भी आपने गलती की, ऐसा नहीं लगता आपको? माताश्री, आपको पूरी हकीकत मालूम है। अब हमारी सफाई देने का कोई मतलब ही नहीं है, और आपके सामने जवाब देने की हमारी औकात नहीं है। मतलब आपको कबूल है? अगर हम ना कहें तो क्या आप हम पर विश्वास करेंगी? और हमारी बेगुनाही भी हम किसके सामने साबित करेंगे? माताश्री, अगर आपको विश्वास है तो फिर इस सत्य की जरूरत ही क्या थी? लेकिन ये हुआ। राजकुमार शंभू, जो हुआ वो बता दीजिए। उन्होंने बता दिया ना पहले ही कि उन्होंने गाना सुना है। हाँ, हमने गाना सुना सुना है हमने गाना, और हमारे गाना सुनने की जो खबर किले पर फैल गई है, अब वो भी हमने सच मान ली है। युवराज, बाल राजा साथ में थे, इसके बारे में तो आपने सोचा होता? माताश्री, हम बाल राजा की फूल की तरह हिफाजत करते हैं। इस तरह? आपको इसमें से जो मतलब निकालना है वो आप निकाल सकती हैं, ठीक है? राजकुमार शंभू, इस उत्तर की हमें भी अपेक्षा नहीं थी, और बड़ी माँ पूछ रही है ना, उन्हें सच और झूठ का पता होना ही चाहिए। क्या उन्हें पूछने का अधिकार नहीं? लेकिन माताश्री, क्या यह तरीका है पूछने का? फिर भी उन्हें पूछने का अधिकार तो है। किले पर खबर आई है, आपको उसका खुलासा देना पड़ेगा। जरूर, लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये खबर माताश्री को किसने दी, और किसके आदमी हमारे पीछे थे? वो हम नहीं बता सकते। हमें उसकी कल्पना है, इसलिए कह रहा हूं कि माताश्री को सच और झूठ अपने आप समझ लेना चाहिए और सही न्याय करना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगे कि हम सजा के हकदार हैं तो जरूर सजा दीजिए। एक मां को अपने बच्चे को सजा देने का अधिकार होता है ना, और अगर हमारा यहां होना आपको तकलीफ दे रहा है तो हम यहां से चले जाते हैं। हम हमारे महल में हैं। राजकुमार शंभू, गए वो तो अच्छा हुआ, लेकिन कबूल करके गए होते तो बहुत अच्छा हुआ होता। हाँ बिल्कुल, लेकिन ऐसा भी लगता है कि युवराज हो सकते हैं हमारी तरह धुले चावल जैसे। भगवान करे आई हुई खबर झूठी हो।
जो खबर आई थी वो झूठी ही थी। किसने कहा आपसे? बाल राजा ने। फिर हमें क्यों नहीं बताया उन्होंने? वो आपसे कहने आए थे, लेकिन आप उन पर गुस्सा हो गए, इसलिए वो हमारे पास आए और उन्होंने हमें सारी हकीकत बता दी। क्या हुआ था? कौन सी हकीकत? जब युवराज श्रृंगारपुर से लौट रहे थे तो एक औरत बैलगाड़ी से नीचे उतर गई। युवराज, हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बचा लीजिए। मराठाओं की स्त्री से 50 कोस की दूरी बनाए रखना। सरकार, 15 सिक्के देके मैंने इसे खरीदा है। 50 सिक्के लीजिए और इस औरत को अपने हाल पर छोड़ दीजिए। मालिक, इस गरीब का गाना सुन लीजिए। हमें वो शौक नहीं है। युवराज घोड़े के पास गए, लेकिन उस औरत ने गाना शुरू कर दिया और तभी वे रुक गए। उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। वो शब्द ही इतने अमूल्य थे। बहरानी, लावनी कब से इतनी अमूल्य हो गई? आप खुद समझ रही हैं आप क्या बोल रही हैं? माताश्री, हम सच बोल रहे हैं। वो शब्द क्या थे बहुरानी? शब्द ऐसे थे, युवराज ही नहीं, अगर उनकी जगह हमारे पिताश्री भी होते तो वो भी रुक जाते। यसुरानी? हाँ माताश्री। हमें भी सुनाइए वो शब्द। नाचने वाली बोली, गर्मी हो या बरसाती हो, स्वराज की ठंडी हवा, जब तक रानी माँ है हमें किसी की भी चिंता नहीं, जब तक रानी माँ है हमें किसी की भी चिंता नहीं, हम है रानी माँ की बेटी, हम है रानी माँ की बेटी, जैसे तलवारों की नोक, हमसे दूर से ही बात करना वरना पड़ जाएगा मरना, हम है रानी माँ की बेटी, हम है रानी माँ की बेटी, मिर्ची की तरह ही तीखी, संभाल के बात करना बाबा, हाँ तुम संभाल के बात करना वरना पड़ जाएगा मरना। हम है रानी माँ की बेटी, हम है रानी माँ की बेटी, जैसे तलवारों की धार, भैया हमसे ना टकराना वरना तुमको पड़ जाएगा मरना। गर्मी हो या बरसातें हो, स्वराज की ठंडी हवा, जब तक रानी माँ है हमको किसी की नहीं है परवाह, जब तक रानी माँ है हमको किसी बात की नहीं है परवाह, जब तक रानी माँ है हमको किसी बात की नहीं है परवाह। सरकार, गाना पसंद आया? सुंदर गाया आपने। लेकिन जब मैं गाना गा रही थी आपने मेरी तरफ देखा ही नहीं। जिस रानी माँ का गाना आपने गाया, उसी रानी माँ की गोद में हम पले बड़े, उनकी गोद में खेले हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, जैसे हमारा जीवन सफल हो गया। आपकी आवाज सुरीली है और आपने हमारी रानी माँ पर गीत गाया, हम आपकी रक्षा करेंगे, आपको कोई भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं दे सकता, और अगर कोई ऐसा करेगा तो हमें बता दीजिएगा, हम उसे माफ नहीं करेंगे। ईश्वर कृपा हुई। शाहिर,
जो स्वराज्य की कलाकार हैं और स्वराज्य में ही रहेंगी। ऐसे कलाकारों की वजह से स्वराज्य की शोभा बढ़ती है, लोगों में चैतन्य निर्माण होता है। आपने अपना नाम क्या बताया? जी सुगंधा सरकार। जैसे आपने गाने में वर्णन किया है, रानी माँ को लड़कियों का वर्णन वैसे ही करना चाहिए था। उनको तलवार की नोक जैसे होना चाहिए, तलवार की धार जैसे होना चाहिए, ऐसी उनकी हमेशा कोशिश रही है। आपको मेरा गाना इतना पसंद आया, आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। सुगंधा जी, आपका ये गाना तो स्वराज्य की हर लड़की को सुनना चाहिए और उसके लिए हम आपकी मदद करेंगे। जैसे आप कहें सरकार। लेकिन आपने ये ऐसा गाना कैसे गाया? लावणी गाने वाले ऐसा गाना गाते हैं, मतलब? रानी माँ हमारे लिए माँ जगदम्बा है, उनकी वजह से और महाराज की वजह से आज हमें पेट भर खाने को मिलता है, बिना डरे बाहर जा सकते हैं। एक कलाकार के गले से गाना कम और विलाप ज्यादा निकलता है। जब मैं छोटी थी, मुगलों ने मेरी माँ को उठा लिया। मेरी दो मासियां कैद में है सरकार, वो उसके बाद कभी दिखे ही नहीं। देखिए, रोइए मत। जिंदगी की दुर्दशा हो गई है, अपनी खूबसूरती के साथ एक औरत ऐसे अकेले नहीं जा सकती। लेकिन अब हम आपके छत्र छाया में हैं, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। स्वराज्य में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हंसी खुशी रहिए। लोगों का सुख और समाधान, यही महाराज का सपना है। सुगंधा जी को हिफाजत से उनके घर ले जाइए। क्या हुआ और हमने क्या सुना? माताश्री, अब आपकी शंका दूर हो गई ना? हाँ, और वैसे भी हमारे मन में कोई शंका नहीं थी, लेकिन हम डर जरूर गए थे। लोग जानबूझ के शक पैदा करते हैं, झूठी अफवाहें फैलाते हैं, जो मन में आए कहते हैं। मेरा कहना है, लोग जो बोलना चाहते हैं ना, उन्हें बोलने दीजिए, लेकिन उन सारी बातों में हमें क्या सुनना है, ये हमें तय करना होगा। आप ठीक कह रही हैं, बड़ी रानी साहिबा, अब मन का बोझ हल्का हो गया। हम भगवान को भोग लगा कर आते हैं। मतलब नाचने वाली का गाना सुना, यहाँ तक तो खबर सही थी, लेकिन उसके बाद का सब झूठ निकला। अनाजी पंत, लेकिन एक बात है, शंभू राजा ने बिल्कुल सही किया। महाराज के बेटे का बर्ताव कैसा होता? बिल्कुल ऐसा ही होता। आपने बिल्कुल सही कहा, कितनी बड़ी बात है ये। रानी माँ पर के गीत, उन पर की रचना, दोहे सुनने के लिए तो कोई भी रुक सकता है। इसीलिए शंभू राजा रुक गए। हाँ। पर अब राव जी पंत, अब आप लोग यहाँ मत रुकिए, आप अपने दफ्तर जाइए, सब काम रुके होंगे ना? जी, चलते हैं हम। बहुरानी जी, हमें शंभू राजा पर अभिमान है। देखा जाए तो वो अन्याय को देखकर गुस्सा होते हैं, उन्हें जरा भी सहन नहीं होता। लेकिन हमारे सामने वो एकदम चुप रहे। उन्होंने कहा, माताश्री के सामने हम कैसे बोले? उन्होंने कहा, जो सजा देनी है दीजिए, और चले गए। माताश्री, ये जानकर कि आपकी शंका दूर हो गई, वो सचमुच बहुत खुश हो जाएंगे। छोटी छोटी चीजों में आनंद मिलता है उन्हें, और ये तो कितनी बड़ी बात है। हाँ ना। माताश्री, अब हमें इजाजत दीजिए, युवराज राह देखते होंगे, हम जाते हैं।
युवराज, 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 यीशु, युवराज, आप निर्दोष हैं। ऐसा कैसे? बीती हुई हकीकत हमने माताश्री को बता दी। कौन सी हकीकत? नाचने वाली की और रानी माँ के गाने की। ये हकीकत आपको किसने बताई? बाल राजा ने। बाल राजा ने? कल से वो यही कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माताश्री इतनी गुस्से में थी कि उन्होंने उनकी कोई बात नहीं सुनी और फिर वो हमारे पास आ गए और जो भी हुआ उन्होंने हमें बता दिया। लेकिन अच्छा हुआ कि आप बाल राजा को अपने साथ ले गए। उन्हीं की वजह से तो पता चला कि क्या सच है और क्या झूठ। आपने उस नाचने वाली का गाना आंखें बंद करके सुना, ये भी उन्हीं ने हमें बताया। आज आपकी और बाल राजा की वजह से हमारा एक कलंक दूर हो गया। लेकिन आपने हमें कुछ भी नहीं बताया। ये सो इसमें कहने जैसा और सबको बताने जैसा क्या था? जिस भावना से आपने उस गर्भवती स्त्री को अपनी डोली दे दी थी, उसी भावना से हमने उस नाचने वाली की मदद की। और हमें लगता है ऐसी बातें सबको कहना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ करनी होती है। युवराज और युवरागी होने के नाते ये अपना कर्तव्य है। सही कहा आपने। और यीशु, हमारे मन में सिर्फ श्रृंगारपुर का मुकदमा था कि हमने कैसे न्याय किया और कैसे एक बेगुनाह आदमी को बचाया। इस वजह से हमारी हौसला अफजाई होगी, खुशी से शाबाशी मिलेगी, हमें ऐसा लगा था। लेकिन हमारे आने से पहले एक अलग खबर ही किले पर पहुंच गई थी। हाँ, हमने वो खबर कल ही सुन ली थी। लेकिन आपने भी कुछ नहीं कहा। हमने कहा था आपसे, हमने पूछा भी था। हाँ, सुबेदार गुस्सा हो गए थे, ऐसा हमने कहा। हमें लगा कि आप नाचने वाली के बारे में कह रहे हैं, और फिर आपने कहा कि वहाँ पर तुनतुना भी बज रहा था, मनोरंजन हुआ। अच्छा, तो ऐसी गड़बड़ हुई थी। इन सब बातों से एक बात पर तो मोहर लग गई है। कौन सी बात? आपका जो मुझ पर विश्वास है उस पर। इस बात पर तो उसी दिन मोहर लग गई थी युवराज, जिस दिन आप हमें लेने के लिए ना आकर कयूम खान की मुहिम पर चले गए थे। उसी दिन हम अच्छी तरह समझ गए कि आप किस चीज को महत्व देते हैं। किसे? स्वराज को देते हैं, और आपकी इस बात पर हमें अभिमान है। अजी, सुना आपने? क्या कह रही है बेटी, सुना? बाहर के आदमी पे कितना विश्वास, और इस घर के, मतलब अपने बाप के बारे में इतनी गलतफहमी। गलतफहमी नहीं है पिताश्री, आप बड़े ही हैं। छत्रपति के सर पर छत्र पकड़ने का सम्मान मिला है आपको, पर क्या ये सब एक ही दिन में हुआ था? किस्मत, किस्मत इस बाप की। पिताश्री, पर मैं आपको कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि युवराज कोई गलत काम नहीं कर सकते। बेटी, जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। पिताश्री, आप एक बार बुधभूषण को अच्छे से पढ़िए, फिर आपको युवराज के विचार समझ में आएंगे। हमने कहा ना, हमने वो बात छोड़ दी है, अभी की और पहले की भी, इसीलिए तो शांति से निकल आया ना। सच कहें तो हमें आश्चर्य इस बात का है कि आप यूं शांत कैसे हैं। कैसा है ना यीशु, हमारे मन में पूजा करने की भावना आई तो हम प्रणाम करते हैं, और प्रतिरोध करने की भावना आई तो तलवार निकालते हैं। हम प्रणाम करने में भी देर नहीं लगाते और तलवार को बाहर निकालने में भी नहीं। हम ये बात जानते हैं।
यीशु हमें बस इतना ही लगता है। हम लिखते हैं राजा प्रधान मंत्री इन्हें कैसे रहना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए, ये सब भ्रष्टाचार भर के कारण राष्ट्र कैसे नष्ट हो जाता है ये बताना है। और खुद अपने ही लोगों की छोटी छोटी बातें सहन कर ले, क्या ये उचित है? योग्य अयोग्य कौन तय करेगा? युवराज करेंगे? दो अक्षर लिखने के बाद किसी और को अकल सिखाना, ये क्या योग्य है? पिताश्री आप इन बातों को दिल पे मत लीजिए। स्वराज्य में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे महाराज के विचारों के कारण दुख पहुंचा है। एक भी दुख नहीं है जो महाराज के विचारों से खाली नहीं हुआ। स्वराज्य में ऐसी खुशी नहीं जो महाराज के विचारों से खिल नहीं उठी। ऐसे पराक्रम नहीं जो महाराज के कारण चारों दिशा में गई नहीं। और ऐसी स्त्री नहीं जो महाराज के विचारों के कारण सुखी नहीं हो। अगर ये विचार ही निर्दोष नहीं रहा तो स्वराज्य स्वराज्य रहेगा? नहीं। और इसीलिए हम ये भाग दौड़ कर रहे हैं। ये हमारे समझ में आ गया है। यीशु हमने हमारे पिताश्री को देखा है, वो शांत दिखते हैं लेकिन मन में बहुत सारे विचार बहुत सारी आशा है कि प्रजा सुखी हो जाए। मंत्री भी जनता ही होता है, उनके सुख के बारे में कौन सोचेगा? चलिए पिताश्री खाना परोसती हूँ। खाना अच्छा नहीं लग रहा। ये देसाई का मामला युवराज बस बढ़ाए ना। नहीं बढ़ाएंगे पिताश्री। ये बात तो पता चल चुकी है हमें, युवराज कार्रवाई करने वाले हैं हम पर। लेकिन युवराज अगर होशियार होंगे तो वो मेरे रास्ते में नहीं आएंगे। हम क्या कह रहे हैं कि आप इस वक्त कहीं मत जाइए। क्यों? मतलब महाराज के आने तक आप सुनीस का कोई फैसला मत कीजिए। यीशु फैसला ना करे इसलिए तो अनाजी पंत ने हमें और सबको कातरज की घाटी दिखाई ना। पर जिन्होंने शत्रु को सच में कातरज की घाटी दिखाई उनके बेटे हैं हम। ये ऐसी बातों को हम जवाब नहीं देते। युवराज वो तो है पर फिर भी हम पर आरोप हुए तो हम कुछ बोले? रहे ना शांति से खड़े, गए ना तलाशी के लिए, हुई ना हमारी तलाशी। हम युवराज है इसलिए हम कैसे भी बर्ताव कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये स्वराज्य है, आरोप लगे तो तलाशी होगी ही, फिर वो कोई प्रजा हो या कोई बड़ा आदमी तलाशी होकर रहेगी। युवराज सुनिए, आप जांच बाद में नहीं कर सकते क्या? नहीं। और देसाई को क्यों रोक कर रखेंगे और कितने दिन, और वो भी उनकी गलती नहीं होते हुए भी? युवरागी सच को अगर सच कहने में देर लग गई ना तो वो सच होके भी उसके आसपास संदेह की मक्खियां घूमने लगती हैं। ज्यादा नहीं लेकिन दो दिन बाद जांच कीजिए ऐसा कह रहे हैं हम। यीशु अगर न्याय देने में देरी हो गई तो न्याय अस्वीकृत किया गया है ऐसा उसका मतलब होता है, और इसलिए न्याय आज ही होगा। आज ही करिए लेकिन न्याय संयम को ध्यान में रख के हो तो अच्छा होगा। यीशु न्याय प्रक्रिया में संयम की छाया भी धूप में ही खड़ी होती है। हम जो कहना चाहते हैं आप हमारी बात समझ रहे हैं ना? किले पर एकजुट होनी चाहिए, स्वराज के काम में सबके समान विचार होने चाहिए, और इन छोटी छोटी बातों में आपका और मंत्रियों का भी समय व्यर्थ नहीं होना चाहिए। बस इतना ही। ये सुई ये छोटी बात नहीं है। आपको कल्पना होगी नहीं होगी लेकिन इतना बड़ा बादशाह औरंगजेब, कितनी भयानक हुकूमत है उसकी। आदेश हुकुम उसके एक इशारे पर नाचते हैं।
उसने हमें और पिताश्री को कैद किया, लेकिन हम सही सलामत छूट गए। किस वजह से? संदूक की वजह से। संदूक की वजह से नहीं, मिठाई के कारण भी नहीं, हम औरंगजेब के दरबार के भ्रष्टाचार के कारण छूटे हैं, याद रखिए। उस औरंगजेब के दरबार में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया था कि खुद औरंगजेब बादशाह भी परेशान हो गया था। इस भ्रष्टाचार के कारण क्या हुआ औरंगजेब का? हार। और येसु, ये सब हमारे रायगढ़ में ना हो इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। जंगल में गिरी हुई चिंगारी को समय पर बुझाए नहीं तो पूरे जंगल में आग लग जाती है। भ्रष्टाचार का भी वैसा ही है, और इसीलिए अनाजी पंथ का फैसला होगा, आज ही होगा। मुझे आश्चर्य इसी बात का होता है कि वो नाचने वाली गजब निकली। हाँ बिल्कुल, अब नाचने वाली कहेंगे तो लावणी आ ही गई, ये सूत्र तो तय ही है। लेकिन उसने तो कमाल ही कर दी, मां साहेब के दोहे सुना दिए, हमें मुंह के बल गिरा दिया। गड़बड़ हो गई भाई। पर गड़बड़ कैसी पंत? आपका क्या कहना था, युवराज को लावणी सुन लेनी चाहिए थी? हाँ, वो तो लाजमी बात है। पंत ऐसा मत सोचिए आप, अरे युवराज हैं वो, ऐसे ही खुद को बहलने नहीं देंगे वो। और मुझे वो बात भी ठीक नहीं लग रही। घुमा दी पगड़ी? पगड़ी घुमा दी मतलब? आप ये बात बढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं लगता आपको? किस अर्थ से? पंत, जो पूरी तरह से सफेद है उसे आप काला बोलने के लिए कह रहे हो, ये हमें ठीक नहीं लग रहा है। अजी राहु जी। पंत, आज इस किले पर हम किस लिए बैठे हैं? महाराज जी ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी डाली है हम पर, कितना विश्वास रखा है। वो क्या उनके लड़के को पानी में देखने के लिए? राहु जी, आपको भूत वूत ने पकड़ लिया है क्या? हम सबको पकड़ लिया था, पकड़ लिया है महाराज जी के विचारों ने, उसी में रहेंगे हम। युवराज इतने भले और सरल इंसान हैं। हाँ, आप जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई दिख रही है मुझे, लेकिन पंत, अगर वो हमें सरहद पर बुलाएं, उससे पहले ही हम वहां पहुंच जाएंगे। ऐसी बात है, ठीक है, आप चलिए आगे, हम आते हैं। जल्दी आइए। मुझे सिखा रहा है, राजनीति जानता है क्या ये? परसु, ए परसु। जी मालिक। अभी के अभी श्रृंगारपुर जाओ। जी। सुबेदार को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, उससे कहो कुछ दिनों के लिए फरार हो जाए। ये मोहरे लो, दे दो उसे, रास्ते में कहीं रुकना मत, घोड़े के लिए चारा वगैरह ले लेना, जाओ हवा की रफ्तार से जाना। जी मालिक। युवराज नहीं दिख रहे हैं। आपने अगर संदेशा भेजा होता तो हम खुद ही उन्हें आपके कक्ष में भेज देते। अरे क्यों पर? हमें लगा इसलिए हम खुद ही मिलने चले आए। कहाँ पर है वो? आप बैठिए ना। आइए,
हम उन्हें लेकर आते हैं। अरे अरे नहीं, काम में व्यस्त होंगे वो। बहुरानी, कल हमसे थोड़ी गलती हो गई, थोड़ा संयम रखना चाहिए था, कहीं सुनी बातों पर विश्वास कर लिया, पूछताछ की। माताश्री, आपने जांच पड़ताल की वो एक तरह से सही था, और आपने पूछताछ इसलिए की क्योंकि आपके कानों तक कुछ गलत बातें आईं, और इस वजह से आप डर गईं, आपको फिकर हो रही थी। फिकर तो होगी ही ना। और कैसा है ना माताश्री, आपके अंदर की माँ सब कुछ जानते हुए आपको चुप बैठने देती क्या? और युवराज भी इस बात को समझते हैं कि हमारे पास भी कोई है जो हमारी खबर रखता है। वो तो है ही, पर हमें एक बात समझ में नहीं आई कि वो हमारे सामने चुप क्यों रहे। कुछ कहा नहीं उन्होंने, हमसे कहा माताश्री जो सजा देनी है दीजिए, हम जाते हैं, और आखिर आकर चुपचाप बैठ गए अपने कक्ष में। माताश्री, वही तो, वही हमारे दिल में चुभा है, हमें उन पर पूरा विश्वास है, उनके पास सत्ता है पर वो बहकते नहीं, शिष्टता पूर्वक रहते हैं। युवराज जी का बस इतना ही कहना है, अगर पूजा करने का मन हुआ तो प्रणाम, और प्रतिरोध की भावना हुई तो तलवार। माताश्री, आपके सामने उन्हें पूजा करने का मन करता है, इसीलिए वो शांत हो जाते हैं। इसीलिए तो हम उनसे माफी मांगने आए हैं। माफी मांगने? रात भर हम सो ही नहीं पाए, इसलिए सोचा युवराज को आके मिलते हैं। जरूर मिलिए, हम अभी बुलाते हैं उन्हें। लेकिन आप माफी क्यों मांग रहे हैं? माँ कभी माफी मांगती है क्या? उल्टा समय समय पर बच्चे पर रोक टोक करनी चाहिए। लेकिन वो है कहाँ? सरहद पर, अनाजी पंत का फैसला करने के लिए। सवाल सारा वसूली का नहीं था नेहराजी चाचा, देसाई जी के पास की दो अफगान घोड़ी अनाजी पंत को चाहिए थी, और देसाई जी ने उन्हें देने से इनकार कर दिया, इसीलिए मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र हुआ। अनाजी पंत, क्या ये सच है? देसाई, हमें आपके अच्छी नस्ल के घोड़े चाहिए, ऐसा हमने आपसे कहा? नहीं। तो फिर किसने कहा? सूबेदार ने। सूबेदार ने कहा, मतलब हमारी बातचीत नहीं हुई। युवराज, देखिए इस तरह की गड़बड़ी चल रही है। मतलब? खबरें और अफवाहें बेवजह फैल रही हैं। अजी, कभी आपका नाम लिया जाता है तो कभी मेरा नाम लिया जाता है। खबर आती है कि युवराज गाना सुनते हैं, दौलत उड़ाते हैं, लेकिन असल में उन्होंने सुना होता है दोहा, और नाचने वाली को नर्क से छुड़ाया हुआ होता है, लेकिन सूबेदार ने मेरी आड़ से बांध चलाया। इसका मतलब आपका इसमें कोई हाथ नहीं है? घोड़ा चाहिए होगा तो मैं महाराज जी से मांग लूंगा, आपसे मांग लूंगा, इस देसाई के पास क्यों मैं मांगूंगा घोड़ा? ठीक है, हम सूबेदार को बुला कर ले आते हैं। मैं कहता हूँ कल बुलाने से अच्छा है आज ही बुला लीजिए, इसमें देर मत लगाइए। युवराज, शायद ये प्रतिशोध का षड्यंत्र हो सकता है, हमारे मंत्रियों को बदनाम करने के लिए, लेकिन इसके पीछे कौन है ये जरूर देखना चाहिए। उसकी जड़ तक हम जाएंगे ही, लेकिन हम सबको एक बात को अच्छे से दिमाग में रख लेना चाहिए कि आज पूरे हिंदुस्तान में कितने लोग महाराज से प्रेरणा लेकर मुगलों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मथुरा में किसानों ने आवाज उठाई है, उसमें मथुरा के सरदार अब्दुल को भी मारा गया, उसमें सतनामी मुंडे शामिल हो गए थे। पंजाब में गुरु टेग बहादुर के नेतृत्व के नीचे औरंगजेब को चुनौती दी है। उड़ीसा, आसाम, बुंदेलखंड के लोग हमारे पास सम्मान से, गर्व से देखते हैं, ये याद रखिए। और हम ऐसी छोटी छोटी बातों में वक्त जाया कर रहे हैं और कुछ नहीं, ये उचित नहीं है। आप बड़े हो,
राज्याभिषेक के बाद ही हम सबको एकजुट होकर काम करना चाहिए। वो महाराज को अपेक्षित है। इसीलिए युवराज, अगर आपको लगे कि मेरी गलती है, काम ढंग से नहीं किया, तो मुझे माफ कीजिए। युवराज, बड़े होने के नाते हम आपसे ये कहते हैं कि इस मामले को यहीं खत्म कर दीजिए। ठीक है, देसाई निर्दोष छूट गए और अनाजी पंत ने भी अपना बड़ापन दिखाया है। अच्छा हुआ कि सब बातें खत्म हो गई। आपने तो हमारा घोड़ा ही छीन लिया, तो फिर क्या होता? गिर गए धड़ाम से। ऐसा नहीं है, आपके औहदे के हिसाब से आपको ये बात शोभा नहीं देती, इसलिए रुकने को कहा। हाँ। लेकिन एक बात अच्छी हुई, महाराज के आने से पहले ये सब खत्म हो गया। मतलब महाराज के सामने सब सच झूठ करते रहना अच्छा नहीं लगता है। दीजिए। लीजिए। अब आराम से पान खाते हुए घर चले जाता हूँ। जाते समय मशाल ले लीजिए। परसों नहीं है मशाल दिखाने के लिए? वो गांव गया है। वैसे रास्ता जाना पहचाना है, लेकिन एक बात अच्छी हुई, आप पीछे हट गए। पीछे? लेकिन कुछ समय के लिए। मतलब? चूल्हा बुझ गया है, लेकिन अंगारे बुझे नहीं है। अंगारे अभी बुझे नहीं है? क्यों? नहीं समझ पाएंगे आप, जाइए अभी। ठीक है। मेरा ये तरीका है, जला के रखे हुए अंगारे काम आते हैं। बहुत बार जला के रखे हुए अंगारों में आग होती है, तपिश होती है, जलाने की काबिलियत होती है और ज्वालामुखी भी।